हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में आत्मनिर्भर भारत के बारे में। हालांकि हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख रखे हैं, आज भी उसी तरीके के स्कीम को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो डे फोर की ब्रीफिंग हुई है, यानी कि कल ब्रीफिंग हुई है। अगर इस ब्रीफिंग को मैं कैटेगराइज करूं तो देखिए, इसमें बेसिकली नियर अबाउट 7 सेक्टर्स का डिस्कशन किया गया है। 7 सेक्टर में किस तरीके से फंड की पूलिंग की जाएगी या फिर 7 सेक्टर को किस तरीके से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। इन 7 सेक्टर्स में एक सेक्टर कोल का है, इसके अलावा मिनरल्स का है, डिफेंस का है, सिविल एविएशन का है, डिस्कॉम का है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है और स्पेस और एटॉमिक एनर्जी का है। तो ये काफी हद तक ओपन कर दिया गया है अब इकोनॉमी को। कई जगहों पे कॉर्पोरेटाइजेशन कर दी गई है, कई जगहों पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। क्या कुछ होने वाला है हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसका यूज करके आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं या फिर अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए आ जाती है हमारी एविएशन सेक्टर। हम लोग एविएशन सेक्टर के बारे में देखेंगे। यहां पर देखिए दोनों को फोकस किया गया है, एक तो डिफेंस एविएशन को भी किया गया और दूसरा सिविल एविएशन को भी फोकस किया गया। दोनों में ही चेंजेस किए गए हैं। वन बाय वन करके इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले कहा गया है एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। यहां पर देखिए बेसिकली जो फोकस किया गया है वो 3 चीजों पे किया गया है। एक तो किया गया है जो हमारा डिफेंस है, तो डिफेंस में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होंगे। इसके अलावा कहा गया है डिफेंस के अलावा जो भी सिविल प्रोडक्शन है तो सिविल प्रोडक्शन के बारे में भी बात हो जाएगी। तीसरे नंबर पे बोला गया है एमआरओ। एमआरओ का मतलब होता है जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही होती है, कह लीजिए मेंटेनेंस ऑफ जितने भी सिविल एविएशन के जितने भी जहाज वगैरह हैं वो सारे के सारे मेंटेनेंस के बारे में। वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो देखिए, मेक इन इंडिया फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, इट विल नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म फॉर बैन ऑन इम्पोर्ट विद ईयर वाइज टाइमलीनेस। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग डिफेंस के बारे में, डिफेंस में हम लोग मैक्सिमम चीजें बाहर से ही ले रहे होते हैं, तो हम लोग क्या है दूसरे कंट्री पे ही डिपेंडेंट है, जबकि हमारे पास भी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी हम लोग अब डेवलप कर सकते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी मिसाइल हम लोगों ने डेवलप किया है, अग्नि मिसाइल हम लोगों ने डेवलप किया है, इस तरीके से हम लोग बाकी के भी वेपन्स वगैरह को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम लोग प्राइवेट प्लेयर को और हम लोग घर में ही बैठ करके अब चीजों को बनाएंगे, बाहर के जो भी इंपोर्ट आइटम है जिसकी हमें जरूरत नहीं है या जो हम लोग बना सकते हैं, अब हम लोग उसके इंपोर्ट को बैन कर देंगे, हम लोग उसके इंपोर्ट को ओपन नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर, जो स्पेयर पार्ट भी बनाते हैं हम लोग उसको भी अब हम लोग खुद का बनाएंगे, इंडिजीनियस बनाएंगे। सेपरेट बजट प्रोविजन फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट, तो हम लोग इसके लिए एक सेपरेट बजट भी निकालेंगे, बताएंगे क्या प्रोक्योरमेंट कैसे क्या करनी है। इट विल हेल्प रिड्यूस ह्यूज डिफेंस इंपोर्ट बिल, तो बस बाहर के जो भी आइटम आते हैं अच्छा खासा उसका बिल बैठता है उसको बस हम लोग रिड्यूस डाउन कर लेंगे। इट विल इंप्रूव ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी इफिशियंसी इन ऑर्डिनेंस सप्लायर्स बाई कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो देखिए क्या है कि हम लोग डिफेंस को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा इंफोसाइज किया था इस बात के कि हम लोग कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट प्राइवेटाइजिंग दिस सेक्टर। एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज, प्राइवेटाइजेशन में होता है कि आप पूरी की पूरी चीजों को प्राइवेट हैंड में डाल दे रहे होते हैं, जबकि कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या होता है कि आप एक कॉर्पोरेट कल्चर लेके आ रहे होते हैं, मतलब इफिशियंसी अपनी बढ़ा रहे होते हैं, इस चीज को स्टॉक मार्केट में आप लिस्ट कर दे रहे होते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दे रहे होते हैं, स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड वगैरह को बेचना शुरू कर दे रहे होते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि बाहर से हम लोग इन्वेस्टमेंट अब लेना शुरू कर देंगे, जिससे कि जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा उनको फंड भी आना शुरू कर देगा। दूसरा, इनकी ऑटोनॉमी में थोड़ी सी कह लीजिए कि विस्तार हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली इफिशियंसी भी इनकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा देखिए कुछ और भी चीजें की गई है, जैसे एफडीआई अब 49% से बढ़ा करके 74% कर दी गई है। हालांकि अभी भी इसमें काफी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह किए जाएंगे, मतलब जितने भी लाइसेंसेस वगैरह लेने हैं या जो कुछ भी अप्रूवल लेना है वो गवर्नमेंट से ऑब्वियसली अप्रूव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिफेंस का सेक्टर काफी ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर होता है। इसके अलावा देखिए बोला गया है टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग विल बी अश्योर्ड इन बाय सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टू सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा रियलाइजिंग सेटिंग ऑफ जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म,
और हॉलिंग ट्रायल एंड टेस्टिंग प्रोसीजर। तो बेसिकली इसमें कहा यह गया है कि देखिए टाइम बाउंड अगर प्रोक्योरमेंट हमें करना है, जो भी चीज कमी पड़ गई है उसको फटाफट आपको बताना रहेगा, फटाफट चीजों को प्रोक्योर करनी होगी, फटाफट उस चीज को प्रोडक्शन भी करवा लेना होगा। और ये पूरा का पूरा जो किया जाएगा वो किया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा। ये एक सेपरेट यूनिट रहेगी जो बेसिकली मैनेजमेंट का काम कर रही होगी। क्लियर हो गया क्या चीज है पूरे के पूरे डिफेंस में क्या चीज है। आगे देखिए बोला गया है रिडक्शन इन फ्लाइंग कॉस्ट रेट्स 1000 करोड़। इससे होगा क्या, इफिशियंट एयर स्पेस मैनेजमेंट फॉर सिविल एविएशन। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सिविल एविएशन के बारे में। यहां पर होता क्या है पहले आपको थोड़ा सा अगर मैं क्लियर कर दूं, जैसे हमारे यहाँ पे केवल और केवल 60% ही एयर स्पेस जो होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल है, बाकी के डिफेंस वाले अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब वो डिफेंस की रनवे हो जाती है, डिफेंस की रनवे रिलेटिवली हल्की होती है और उतना ज्यादा टफ नहीं बनाई जाती है, जिसके कारण से ये जो भी हमारे सिविल एविएशन के जितने भी हमारे फ्लाइट्स वगैरह होते हैं वो सबके लिए ओपन नहीं कर सकते। इस वजह से केवल और केवल 60% ही हमारा इंडियन एयर स्पेस है। सीधी सी बात है, हमारे पास अगर फ्लाइट्स ज्यादा होंगी और हमारे पास एयर स्पेसेस कम रहेंगे तो हमें इन फ्लाइट को क्या है लंबे समय तक एयर में रखना पड़ जाएगा। जब रनवे खाली होगा तब जाकर के इन फ्लाइट को कहा जाएगा कि चलो भाई तुम अब लैंडिंग कर सकते हो। तो इस दौरान में क्या होता है कि पहले तो जो हमारा एटीसी है, एयर टर्बाइन जो फ्यूल होती है, एटीएफ होती है, ये एटीएफ भी हमारा काफी ज्यादा खर्च हो जाता है, जिससे कि फ्यूल भी हमारा बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया। नंबर टू, एयर में रखने के कारण से हमारा इन्वायरमेंट भी काफी ज्यादा खत्म हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है। ये दो फैक्टर हमारे ऐसे रहेंगे जिससे कि एक तो सस्ती ट्रेवल भी हो जाएगी क्योंकि एटीसी एटीएफ जो होता है वो अब कम खत्म होगा, और दूसरा इन्वायरमेंट भी हमारा क्लियर हो रहा होगा, तो काफी अच्छा फायदा हमें देखने को मिल रहा है। इसमें किया क्या जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन एयर स्पेस विल बी ईज्ड सो दैट सिविलियन फ्लाइंग बिकम्स मोर इफिशियंट। तो इनको भी ओपन कर दिया जाएगा, मिलिट्री वालों को भी ओपन कर दिया जाएगा। इट विल ब्रिंग अ टोटल बेनिफिट ऑफ अबाउट 100,000 करोड़ पर ईयर फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर। तो इसको 1000 करोड़ का फायदा होने वाला है, ऐसा मिनिस्ट्री मानती है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एयर स्पेस होगा, रिडक्शन इन फ्यूल यूज होगा, टाइम का भी बचत होगी और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए कुछ और भी एयरपोर्ट डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पीपीपी मॉडल से हो रहा होगा। जैसे देखिए कुछ एयरपोर्ट जो होते हैं वो फुल्ली प्राइवेटाइज हैं और कुछ एयरपोर्ट हैं जो पीपीपी मोड में चल रही होती है, जैसे बैंगलोर का हो गया या फिर दिल्ली का हो गया, पीपीपी मोड में चल रहा होता है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दो अथॉरिटीज होती है, एक होती है AAI और दूसरी होती है DGCA। DGCA जो होती है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक मैनेजमेंट वाली बॉडी होती है जहां पर लॉज वगैरह का मैनेजमेंट किया जाता है। तो जितने भी लॉ रिलेटेड या कानूनी कार्रवाई करने रिलेटेड होता है वो DGCA से होता है, जबकि जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें होती है वो हमारा AAI देख रही होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज अ PSU। यहां पर कहा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड 3 एयरपोर्ट आउट ऑफ 6 बिड फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो 3 आउट ऑफ 6 जो होता है वो दे दिए जाएंगे इनको पीपीपी मोड में, अब इनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस कराने पे दे दिया जाएगा। एनुअल रिवेन्यू ऑफ 6 एयरपोर्ट इन 1 राउंड 1000 करोड़ अगेंस्ट करंट प्रॉफिट ऑफ 540 करोड़ पर ईयर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल ऑल्सो गेट डाउन अ पेमेंट ऑफ 2300 करोड़। तो इससे क्या है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको भी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। 6 more airports आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं सेकेंड राउंड की बिडिंग के लिए और इस तरीके से उसको भी पीपीपी मोड के अंतर्गत में लेते आया जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट प्लेयर इन 12 airports इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड एक्सपेक्टेड अराउंड 13,000 करोड़। अनदर 6 airports विल बी पुट आउट फॉर द थर्ड राउंड ऑफ बिडिंग। तो इस तरीके से हम लोग कुछ एयरपोर्ट मतलब 6-6 करके हम लोग एक बंडल बना करके उसको पीपीपी मोड में प्राइवेटाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि सिविल एविएशन सेक्टर इज नाउ ओपन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो कि काफी अच्छा स्टेप होगा। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए वहां की जरा सिस्टम देख लीजिए, और एयरपोर्ट पे चले जाइए और वहां की सिस्टम आप देख लीजिए, जमीन आसमान का आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए MRO के बारे में भी गवर्नमेंट बात करती है। MRO मतलब हो जाता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। अब जैसे क्या होता है कि हमारे जितने भी वेपन्स हो गए या हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए इनकी मेंटेनेंस वगैरह में काफी ज्यादा हमें खर्चा आ जाता है। खर्चा आने का मतलब है क्योंकि इनकी इंडिया में कोई भी रिपेयरिंग होती नहीं है, फॉरेन में इनको भेजना पड़ता है, तो भेजने मेंटेनेंस करने पार्ट्स वगैरह लगाने सब कुछ में काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। इस खर्चे को ही कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ये बोल रही है कि अब हमें ये पूरा का पूरा MRO सिस्टम इंडिया में ही एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। फायदा इससे ये होने वाला है कि एक तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, दूसरी एक नया सेक्टर ही पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा,
तीसरा, जब मार्केट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा तो जो फॉरेन के भी प्लेयर्स हैं, मतलब जहां पर हम लोग बाहर भेजते थे मेंटेनेंस के लिए, वो अब इंडिया में ही आकर के अपनी प्लांट वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अपना मेंटेनेंस उन्हीं कंपनी से जो बाहर करवाते थे, वो अब हमने अब अपने घर में ही बैठ करके करवा लेंगे। तो इसमें जीएसटी रेजिम और कुछ अदर भी लाइसेंसेस वगैरह में थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, जिससे कि ये सेक्टर काफी अच्छे से एक अट्रैक्टिव सेक्टर के रूप में निकल करके आ जाए। अगर इसके चीजों को देखें तो देखिए, टैक्स रेजिम फॉर एमआरओ इकोसिस्टम हैज बीन रेशनलाइज्ड, टैक्स रेजिम जो होती है रेशनलाइज कर दी गई है। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट रिपेयर्स एंड एयर फ्रेम मेंटेनेंस टू इंक्रीज फ्रॉम 800 करोड़ टू 2000 करोड़ इन 3 ईयर्स। मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड वुड सेट अप इंजन रिपेयर फैसिलिटीज इन इंडिया इन द कमिंग ईयर। तो वही चीज जो मैंने आप लोगों को अभी बोला है, वही सेम चीज यहां पर लिखी गई है। मेंटेनेंस कॉस्ट इन लोगों की कम हो जाएगी और इस तरीके से हमारी चीजें जो होती है काफी अच्छी हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की सेशन। इस सेशन को फिलहाल यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो बाकी सेक्टर्स में जो भी रिफॉर्म किए गए हैं, जैसे डिस्कॉम की हो गई या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, स्पेस हो गई या फिर एटॉमिक एनर्जी होगी, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में अलग से देखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।